अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। वो टॉपिक इज स्टेट एंड इट्स एसेंशियल्स। बेसिकली जो है ना, आज की इस वीडियो में हम जो है ना स्टेट और उसके एसेंशियल्स के हवाले से पढ़ेंगे कि जो है ना स्टेट को जो स्टेट एक स्टेट जो है ना किन चीज़ों से बनती है, ठीक है, कौन सी चीज़ें हों तो एक स्टेट जो है ना बनती है। मैंने लास्ट वीडियो में ओरिजिन्स और थ्योरीज के हवाले से बताया था आपको, ठीक है। तो इस वीडियो में बेसिकली हम जो है ना ये देखेंगे कि एसेंशियल्स कौन कौन से हैं। अगर इनमें से कोई भी एसेंशियल्स, कोई भी एक चीज़ भी ना होगी तो वो स्टेट नहीं कहलाएगी, ठीक है। तो वो हम फर्दर जो है ना नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले आप जो है ना इंट्रोडक्शन एज यूजुअल लिखना है, ठीक है। आपने बताना है कि स्टेट इज़ अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइज कम्युनिटी, ठीक है। ये बेसिकली जो है ना मैकवेली की एक बुक आई थी प्रिंस, ठीक है, उसमें जो है ना स्टेट का फर्स्ट टाइम जो है ना लफ्ज़ यूज़ हुआ था 16th century में, ठीक है। 16th century से पहले जो है ना वो स्टेट के लिए जो है ना डिफरेंट वर्ड यूज़ होते थे, ठीक है। कुछ लोग जो है ना पोलिस कहते थे इसको, ठीक है, एक स्टेट को पोलिस। कुछ लोग जो है ना इसको सिटी स्टेट कहते थे, ठीक है। तो डिफरेंट नेम थे। तो ये मैकवेली की एक बुक आई थी द प्रिंस, ठीक है, जिसमें उसने जो है ना स्टेट का वर्ड यूज़ किया था। अब जो है ना स्टेट के जो असेंशियल्स हैं उसमें जो सबसे पहले जो है ना असेंशियल है वो पॉपुलेशन, गवर्नमेंट, टेरिटरी और सॉवरेनिटी, ठीक है। ये बेसिकली चार असेंशियल्स हैं, ठीक है। अगर इनमें से कोई एक भी असेंशियल कम होता है तो वो स्टेट नहीं कहलाएगी, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हम जो है ना इसी एसेंशियल्स के हवाले से पढ़ेंगे। पहले सबसे पहले जो है ना हमने मीनिंग बताना है, ठीक है, कि स्टेट का मीनिंग क्या है। जो है ना इंग्लिश वर्ड है स्टेटस से, ये बेसिकली जो है ना स्टेट का मीनिंग वर्ड निकला है, ठीक है। और जो है ना इसका मतलब सर्कमस्टांसिंग कंडीशंस वगैरह, ठीक है। इसमें जो है ना डिफरेंट फिलोसोफर्स ने स्टेट की डिफरेंट डेफिनेशन दी है, ठीक है। यूनियन ऑफ पीपल के हवाले से मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था कि यूनियन ऑफ ग्रुप ऑफ फैमिलीज को भी जो है ना हम स्टेट कहते हैं। उसके बाद डिफरेंट जो है ना और जो फिलासफर्स हैं उन्होंने अपनी अपनी डेफिनेशन दी है, ठीक है। पोलिटिकल ऑर्गेनाइज फॉर लॉ विद इन डिफरेंट टेरिटरी, ठीक है। पोलिटिकल ऑर्गेनाइज पीपल ऑफ डिफरेंट टेरिटरी, ठीक है। तो उसको जो है ना हम स्टेट कहते हैं, ठीक है, डब्ल्यू विल्सन के मुताबिक। उसके बाद हिस्ट्री और ओरिजिन्स के वाले से मैंने आपको जो है ना लास्ट प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, ठीक है, कि जो है ना इसका ओरिजिन कैसे हुआ और मतलब स्टेट का और इसकी हिस्ट्री क्या है, और जो है ना डिफरेंट लोगों ने जो है ना इस पर अपने जो है ना थाट एक्सप्रेस किए हैं, ठीक है। ग्रीक वर्ड, पहले ग्रीक का वर्ड यूज़ होता था, ठीक है, जैसे कि हम पढ़ते हैं कि ग्रीक फिलोसोफर्स, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ना इसका ग्रीक यूज़ होता था, फिर फैमिली, फिर ट्राइब्स, फिर विलेज, ठीक है, उसके बाद फिर टाउन में आया, ठीक है। ये जैसे आप रोमन लीगल सिस्टम को पढ़ेंगे, ठीक है, डिफरेंट जो ना सिस्टम्स को आप स्टडी करेंगे, रोमन और डच, ठीक है, और जो है ना चर्च के वाले से जो आप स्टडी करेंगे, तो उसमें आपको पता चलेगा कि तब जो है ना लोग टाउन्स में रहते थे, ठीक है। उससे पहले जो है ना विलेज का नाम जो है ना वहाँ पर लिखा गया है, और उससे पहले जो है ना ट्राइब्स का नाम लिखा गया है, उसके बाद फिर टाउन के बाद सिटी, और सिटी के बाद जो है ना फिर लोगों ने स्टेट का वर्ड जो है ना अब जो मॉडर्न टाइम पीरियड है इसमें जो है ना लोग स्टेट का वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। ये इसके एलिमेंट्स हैं, सॉवरेनिटी, गवर्नमेंट, पॉपुलेशन और टेरिटरी। ये इसके चार एलिमेंट्स हैं जिसको हम स्टडी करेंगे। अगर इनमें से एक एलिमेंट भी कम होता है तो स्टेट जो है ना मुकम्मल नहीं होगी। उसमें सबसे पहले जो है ना सॉवरेनिटी आता है, ठीक है। सॉवरेनिटी का मतलब होता है खुद मुख्तारियत, ठीक है, सुप्रीम अथॉरिटी, किसी कोई ऐसा पर्सन जिसके पास सुप्रीम अथॉरिटी हो, डिसीजन मेकिंग पावर हो, ठीक है, वो किसी चीज़ पे भी चाहे तो डिसीजन ले सकता है, ठीक है। सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, अगर कोई भी स्टेट होगी अगर उसमें सॉवरन कोई अथॉरिटी नहीं होगी तो वो स्टेट जो है ना एग्जिस्ट नहीं कर सकती, ठीक है। और उसमें अब पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ तो पाकिस्तान के आर्टिकल 2A में लिखा हुआ है, ठीक है, जो आर्टिकल 2 है उसमें जो सब सेक्शन ए है उसमें लिखा है कि सॉवरेनिटी इज़ जो है ना सॉवरेनिटी जो है ना वो अल्लाह ताला की है, ठीक है। लेकिन जो सॉवरेनिटी है पाकिस्तान में, ठीक है, वो आर्टिकल 2A में जो है ना अल्लाह ताला के वाले से लिखा है, लेकिन जो है प्रेसिडेंट एज अ सॉवरेन इन पाकिस्तान, ठीक है, जो हेड ऑफ़ द स्टेट है ना, ठीक है, हेड ऑफ़ द स्टेट अब प्रेसिडेंट है, तो वो जो है ना वहाँ यहाँ पर सुप्रीम कंसिडर किए जाते हैं कि वो कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है, विद द कंसर्ट ऑफ कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, ठीक है, और जो है ना विद द कंसर्ट ऑफ नेशनल असम्बली या प्राइम मिनिस्टर, तो वो जो है ना उनके पास डिसीजन मेकिंग पावर है। उसमें सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि कोई भी स्टेट जो है ना एग्जिस्ट नहीं कर सकती सॉवरेनिटी के बगैर, ठीक है। ये बस बेसिकली जो है ना सुपरनिशियस एक वर्ड है जहाँ से ये डिराइव हुआ है, और इसको कहते हैं सुप्रीम अथॉरिटी, कोई भी ऐसा पर्सन जिसके पास जो है ना वो डिसीजन मेकिंग पावर हो, ठीक है, सुप्रीम अथॉरिटी हो,
मतलब हेड हो जो किस जो इमरजेंसी में या कोई क्रिटिकल सिचुएशन में अगर कोई डिसीजन लेना चाहे तो वो ले सकता है। जैसे कि आप अगर प्रेसिडेंट की मैं आपको एग्जांपल दूं तो अगर कोई वो इमरजेंसी में या आज ही अगर कोई लॉ जो है ना बनाना है तो वो एक ऑर्डिनेंस जो है ना पेश कर सकते हैं आज ही, ठीक है। अगर हम नेशनल असम्बली की एग्जाम्पल लें कि अगर क्योंकि लॉ मेकिंग प्रोसेस करती है लेजिस्लेटर, ठीक है, तो लेजिस्लेटर एक दिन में लॉ नहीं बना सकते, वो एक जो है ना लॉन्ग टाइम प्रोसेस है, ठीक है। लेकिन प्रेसिडेंट के पास सिर्फ ये अथॉरिटी है कि वो जो है ना लॉ बना सकते हैं और उसको जो है ना हम ऑर्डिनेंस कहते हैं, ठीक है, और वो ऑर्डिनेंस जो है ना 19 डेज़ के लिए वैलिड होता है, ठीक है। उसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है, 6 मंथ के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो जो है ना सिर्फ अथॉरिटी जो है ना प्रेसिडेंट के पास है, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें इंटरनल सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट है और एक्सटर्नल सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सॉल्वेंट ने सोवरेनिटी के हवाले से कहा था कि सुप्रीम पावर इज दैट विच इज़ अब्सोल्यूट एंड अनकंट्रोल विद इन ओन स्फीयर, ठीक है। उसके बाद इंटरनल सोवरेनिटी, ठीक है, इंटरनल सोवरेनिटी से मुराद ये है कि जो टेरिटरी है, ठीक है, टेरिटरी से मुराद आप टेरिटरी का तो आपको पता ही होगा कि जो भी उस कंट्री का रकबा है, अब पाकिस्तान का जो ना एक रकबा तयन कर दिया गया है, ठीक है, जो कि आपने जियोग्राफिया में पढ़ा होगा कि समझ लिया 96,000 एंड समथिंग है, ठीक है, तो वो पाकिस्तान की एक टेरिटरी है, ठीक है। ऐसी जो ना इंडिया की अपनी टेरिटरी है, ठीक है, ऐसी जो ना रशिया की अपनी टेरिटरी है, ऐसी जो ना चाइना की अपनी, तो जो कंप्लीट जो अथॉरिटी है इंटरनल, ठीक है, जो इंटरनल उसके पास जो ना कंप्लीट पावर्स है, ठीक है, कि वो कोई भी जो ना डिसीजन मेकिंग पावर ले सकता है एडमिनिस्ट्रेटिव के हवाले से और उसके बाद जो है ना लेजिस्लेटर के वाले से, ठीक है, तो वो कोई भी जो ना डिसीजन मेकिंग जो ना पावर ले सकता है, ठीक है। अगर कोई भी गवर्नमेंट फ़र्ज़ करें किसी सेंट्रल गवर्नमेंट में या प्रोविजनल गवर्नमेंट में कोई कन्फ्लिक्ट आ रहा है तो वो उस डिस्प्यूट को भी रिजॉल्व करवा सकता है, ठीक है, जुडिशरी भी रिजॉल्व करवा सकती है, प्रेसिडेंट भी जो है ना रिजॉल्व करवा सकता है। उसके बाद जो है ना एक्सटर्नल पावर्स होती हैं, ठीक है, एक्सटर्नल पावर से मुराद है कि एक्सटर्नली कोई उसके ऊपर बाउंड ना हो, ठीक है। जैसे कि हमने अगर कोई ट्रेड करनी है तो हमारे जो हमारे ऊपर जो ना पाबंदियाँ ना लगी हों, इंटरनेशनल जो प्लेटफॉर्म है उन्होंने जो ना बहुत सी कंट्रीज़ को ना ग्रे लिस्ट में डाला होता है, ठीक है। उसका बेसिकली जो पर्पज़ ये होता है कि ये जो कंट्रीज़ है ना ये इतने टाइम के लिए जो ना ट्रेड कर सकती है, ठीक है, यहाँ पे जो ना ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, ठीक है, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन है, ठीक है, तो ये एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं होना चाहिए। सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट ये है कि जो ना एक्सटर्नल कंट्रोल नॉट एन एक्सटर्नल कंट्रोल फॉर अदर कंट्रीज़, ठीक है। अगर कोई पर्सन कोई भी कंट्री जो ना ट्रेड करना चाहती है, ठीक है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर या इंडिया के प्राइम मिनिस्टर या चाइना के प्राइम मिनिस्टर किससे भी ट्रेड कर सकते हैं तो वो जो ना विलफुली कर सकते हैं, ठीक है, तो ये एक्सटर्नल सोवरेनिटी भी होनी चाहिए, मकसद एक्सटर्नल जो है ना वो सुप्रीम होने चाहिए, डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए। उसके बाद आता है दूसरा जो ना गवर्नमेंट, जैसे कोई भी जब स्टेट बनती है तो उसमें जो ना गवर्नमेंट का जो ना वो होना जो है ना लाजमी है, और स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होनी चाहिए, ठीक है। आप गवर्नमेंट्स की भी डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होनी चाहिए जो कि आपके लिए रूल्स और रेगुलेशन बनाए, ठीक है, और आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करे। और जब तक गवर्नमेंट ना होगी तो उसके जो ना डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं, ठीक है, जो इस डिफरेंट इंस्टीट्यूशन है वो भी वर्क नहीं करते, तो जो उसके जो मेन ऑर्गन्स हैं, ठीक है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। अब लेजिस्लेटिव क्या करती है, लॉ मेकिंग प्रोसेस करती है, रूल्स बनाती है सोसाइटी के लिए, ठीक है। एग्जीक्यूटिव क्या करती है, एग्जीक्यूटिव जो है उसको इंप्लीमेंट करवाती है, ठीक है, उसको फोर्स करवाती है, और जुडिशरी उसको इंटरप्रिटेट करवाती है, अगर कोई पर्सन उसको वायलेट करता है तो उसको पनिश देती है, ठीक है, पनिशमेंट देती है। तो जो ना विद द पैसेज ऑफ टाइम गवर्नमेंट तो चेंज होती रहती है, ठीक है, लेकिन न्यू रिजीम भी आती रहती है, ठीक है, और उसके बाद जो है ना ऑर्गन्स के फंक्शन भी जो है ना डेवलप होते रहते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, लेकिन गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट खत्म नहीं होता, ठीक है। डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जिस्ट कर सकती हैं, फर्ज करें किसी कंट्री में जो है ना डेमोक्रेसी है, ठीक है, तो वो गवर्नमेंट एग्जिस्ट कर रही है। अब चाइना में कम्युनिस्ट है, सोशलिस्ट है, ठीक है, तो वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, और इंडिया में जो है ना वो भी डेमोक्रेसी है, ठीक है, तो वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो डिफरेंट टाइप्स की गवर्नमेंट होती हैं, ठीक है, जो कि जो है ना अपने जो है ना इंडिविजुअल्स को राइट्स प्रोटेक्ट कर रही होती हैं, ठीक है, और उनका जो ना डिफरेंट ऑर्गन जो है ना वर्क कर रहे होते हैं। तो गवर्नमेंट के बगैर भी जो ना स्टेट नहीं बनती। उसके बाद पॉपुलेशन, देखिए पॉपुलेशन किसी भी स्टेट का जो ना एक जो है ना मेन जो है ना एलिमेंट होता है। अगर किसी भी स्टेट में पॉपुलेशन नहीं होगी, ठीक है, अवाम ही नहीं होगी, तो उसमें जो है ना वो स्टेट कैसे बनेगी, ठीक है। 3-4 लोगों से स्टेट नहीं बनती, ठीक है, ना ही 3-4 फैमिली से स्टेट बनती है। स्टेट बनती है बहुत से लोगों से, ठीक है। अब डिफरेंट फिलोसोफर्स ने अपनी जो है ना हवाले से बताया कि एक स्टेट में जो है ना कितने लोग हों तो तब वो स्टेट जो है ना एग्जिस्ट करती है। बेसिकली ये वर्ड लिखना है पॉपुलस, ठीक है, विच मीन पीपल्स, ठीक है। और ये जो है ना पॉपुलेशन इज़ अ बेसिक मेन एंड बेसिक फीचर ऑफ द स्टेट,
ठीक है, डिफिकल्ट टू फिक्स द साइज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अ स्टेट, ठीक है, कोई भी इसका स्पेसिफिक साइज नहीं है, ठीक है, लेकिन ये है कि इतने कम लोग भी ना हो कि वो जो ना स्टेट के जो ना पॉपुलेशन वो इतनी कम भी ना हो कि जो ना एक्सटर्नल पावर उसके ऊपर जो ना आके जो ना वो एक्सटर्नल पावर्स पे बाउंड हो, ठीक है। अब जैसा कि वेटिकन सिटी है, ठीक है, चर्च ऑफ द सिटी, ठीक है, तो दुनिया का जो ना सबसे जो ना लीस्ट पॉपुलस कंट्रीज़ में से एक जो ना कंट्री कंसीडर किया जाता है, जापान को कंसीडर किया जाता है, ठीक है, लेकिन वो उनकी पॉपुलेशन है, ठीक है, और वो एज अ स्टेट भी जो ना एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। तो डिफरेंट ग्रीक फिलोसफर्स ने ना अपनी जो ना थ्योरीज में और अपने जो ना थाट्स में ये बताया है कि बेसिकली जो ना स्टेट जो ना कितने लोगों पर होनी चाहिए, ठीक है। अरस्तू ने जो आपको बताया कि अरस्तू की अपनी आइडियल स्टेट भी थी और उन्होंने जो ना बताया कि जो ना लोग ना इतने ज़्यादा हों और ना ही इतने कम हों, ठीक है। और उसके बाद ये देखे, ये ग्रीक फिलोसोफर का टाइम पीरियड है, ये मॉडर्न टाइम पीरियड नहीं है, ये कोई आज से 12,000 साल पहले की बातें हो रही हैं, ठीक है। तो आप कंसिडर कर सकते हैं कि तब जो है ना स्टेट का जो है ना कॉन्सेप्ट था ही नहीं, तब लोग पोलिस के वर्ड्स के इससे जानते थे, ठीक है, एक विलेज का एक टाउन का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अब जो है ना एक स्टेट जो है ना मॉडर्न टाइम पीरियड में एक स्टेट जो है ना वो बहुत बड़ी टेरिटरी में एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। तो उस टाइम पॉपुलेशन उसी के लिहाज से होगी, इस टाइम जो पॉपुलेशन है, ठीक है, अब वो उसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, चाइना में कितनी पॉपुलेशन है आप जानते हैं, इंडिया में कितनी पॉपुलेशन है, ठीक है। तो उससे मतलब कि कोई भी किसी भी स्टेट को आप पॉपुलेशन कितनी भी हो वो एग्जिस्ट हो सकती है, ठीक है, कोई भी स्टेट की पॉपुलेशन वो जितनी मर्जी हो सकती है, ठीक है। लेकिन ये जो ना ग्रीक फिलोसफर्स थे जिन्होंने जो ना अपनी जो ना थॉट्स एक्सप्रेस किए थे कि एक जो ना स्टेट की अगर पॉपुलेशन 5040 होगी तो वो जो ना एक स्टेट कंसीडर की जाएगी, ऐसे जो ना रोसो ने बताया था, ठीक है, कि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतने ही जो ना आपने इसकी जो ना रोसो की सोशल कॉन्टेक्ट थ्योरी भी है जो कि इसी चैनल पर पढ़ी है, तो उन्होंने जो ना बताया था कि बेसिकली जो ना जितनी ज़्यादा लोग होंगे वहाँ पर उतने ज़्यादा जो ना कन्फ्लिक्ट ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो अगर आप मॉडर्न अप्रोच की बात करें, जैसे कि मैं आपको पहले भी उदाहरण, तो अभी जो ना मॉडर्न जो पॉपुलेशन एक्सीड टू अ मिलियंस, ठीक है, मिलियंस ऑफ लोग जो है ना किसी भी स्टेट में रह रहे हैं, ठीक है, किसी भी स्टेट को में जो है ना वो इंडिपेंडेंटली रह रहे हैं, ठीक है, मिलियन ऑफ पॉपुलेशन इस टाइम मॉडर्न टाइम पीरियड में। तो कोई भी स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है पॉपुलेशन की कि अगर जो है ना इतने ज़्यादा लोग होंगे या इतने कम लोग होंगे तो ही एक पॉपुलेशन बनेगी, ठीक है। लेकिन यह है कि फैमिलीज जो है ना को 3-4-5-10 फैमिली से जो है ना स्टेट नहीं बनती, मतलब एक ज़्यादा जो है ना लोग होने चाहिए, पॉपुलेशन कम अज़ कम भी जो है ना, जो रोसो ने कहा था कि वो पॉपुलेशन जो है ना 10,000 तक हो तो तब भी जो है ना एक स्टेट बनती है, ठीक है, तो वो जो है ना फिर मतलब एक जो है ना स्टेट प्रॉपर स्टेट बनती है। उसके बाद पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ना पॉपुलेशन ग्रो करती रहती है। उसके बाद टेरिटरी का जो है ना मेन कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, कोई भी स्टेट है अगर उसकी बाउंड्री लाइन ही नहीं है, ठीक है, तो उसका कैसे पता चलेगा कि ये एक स्टेट है, ठीक है। तो टेरिटरी का भी जो है ना मेन जो है ना एक असेंशियल है, ठीक है, स्टेट के वाले से, और इसका जो लफ्स वो लतीन वर्ड से ड्राइव हुआ है, टोरियम, ठीक है, विच मीन स्टेट, ठीक है, तो इज़ अ लैंड ऑक्यूपाइड बाय अ पॉपुलेशन फ्रॉम अ स्टेट, ठीक है, ये एक जो है ना टेरिटरी है, ठीक है, मतलब एक स्पेसिफिक बाउंड्री लाइन है, अगर कोई किसी भी स्टेट की स्पेसिफिक बाउंड्री लाइन ही नहीं होगी तो वो एक जो है ना टेरिटरी वो जो है ना स्टेट कैसे एग्जिस्ट करेगी, ठीक है, वो कैसे पता चलेगा कि ये जो है ना एक जो है ना स्टेट है, ठीक है। तो पहले जो ना टाइम पीरियड में भी जो ना टेरिटरीज डिफाइन की जाती थी, ठीक है, और अब जो ना टाइम पीरियड में भी टेरिटरीज जो ना डिफाइन की जाती हैं कि ये जो ना टेरिटरी है, ठीक है, इससे ज़्यादा जो ना आपने नहीं आना और इस जो ना इससे आगे नहीं आपने आना, ठीक है, वो जो ना जैसे ही आप टेरिटरीज से अपनी टेरिटरीज से 22-21 अगर किसी टेरिटरी फर्ज करें पाकिस्तान की एक टेरिटरी है तो वहाँ पे जो ना समुंदर भी साथ लगता है, तो वो 22-23 किलोमीटर जो ना समुंदर वो पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर ही कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो मॉडर्न टाइम पीरियड में जो है ना नो फिक्स प्रिंसिपल कैन बी सेट फॉर लिमिटिंग द एक्सटेंट ऑफ टेरिटरी इन मॉडर्न टाइम्स, ठीक है, मतलब जो है ना आप जो है ना अपनी जो ज़मीन है, ठीक है, अपनी जो है ना बाउंड्री लाइन वो किधर तक मर्जी लेकर जा सकते हैं, ठीक है, रशिया की बहुत ज़्यादा बाउंड्री लाइन है लेकिन उनकी पॉपुलेशन एज़ कम्पेयर टू द बाउंड्री लाइन इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है, ऐसे जो है ना चाइना की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और इंडिया की जो है ना आप देख सकते हैं कि उनकी अपनी जो है ना टेरिटरी एक कंसीडर है, पाकिस्तान की अपनी टेरिटरी कंसीडर है, ठीक है, तो टेरिटरी जो है ना कितनी मर्जी हो सकती है, ठीक है, लेकिन ये जो है ना एक स्टेट के लिए ये एक जो है ना स्टेट के लिए जो ना ये एक मेन असेंशियल है, ठीक है, ये होगी तो एक जो है ना स्टेट कंसीडर की जाएगी, ठीक है। अब जो है ना देखिए पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ तो पाकिस्तान में जो है ना 4 प्रोविंसेस हैं, ठीक है, हम उनको प्रोविंसेस कहते हैं लेकिन स्टेट क्यों नहीं कहते। देखिए
जब मैंने आपको पहले कहा कि स्टेट जो ना तब एग्जिस्ट होगी जबकि जब इसमें जो ना चार एलिमेंट पाए जाएंगे, एक गवर्नमेंट, एक टेरिटरी, ठीक है, एक पॉपुलेशन और एक सॉवरेनिटी, ठीक है। अब जो है ना अगर हम मैं पंजाब की बात करूँ पाकिस्तान में, ठीक है, तो पंजाब में जो है ना पंजाब की अपनी गवर्नमेंट होती है, ठीक है, मिनिस्टर होता है अपना, चीफ मिनिस्टर होता है, उसके बाद उसकी जो है ना पॉपुलेशन अपनी होती है, उसकी एक बाउंड्री लाइन भी है, लेकिन उसमें सॉवरेन नहीं होता, ठीक है। सॉवरेन जो है ना वो एक हेड ऑफ़ द स्टेट होता है। अब पाकिस्तान का जो सॉवरेन है वो प्रेसिडेंट है, ठीक है, तो वो प्रेसिडेंट जो है ना वो हेड ऑफ़ द स्टेट है, ठीक है। अब पंजाब का जो है ना सॉवरेन वो ही कंसिडर किया जाएगा जो कि सिंध का या केपीके का सॉवरेन है, ठीक है। तो पंजाब का अपना सॉवरेन नहीं, इसलिए उसको हम स्टेट नहीं कह सकते, ना ही हम केपीके को ना सिंध को स्टेट कह सकते। ऐसे ही जो है इंडिया में अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो जो है दिल्ली है, ठीक है, उसको आप स्टेट जो है ना है तो वो स्टेट, लेकिन उसको एज कंपेयर टू आप स्टेट नहीं कह सकते, ठीक है। तो इसका आपने कंक्लूजन भी लिखना है कि बेसिकली जो है ना वी कैन से दैट स्टेट इज़ अ पॉलिटिकल कम्युनिटी हैविंग एन ऑर्गेनाइज्ड पॉपुलेशन एंड गवर्नमेंट एंड डिफाइंड टेरिटरी एंड एंजॉय इंडिपेंडेंट फॉर एक्सटर्नल ट्रीट्स, ठीक है। बेसिकली जो है ना स्टेट जो है ना बनती इसी वजह से है कि जो है ना लोग वहाँ जो है जो लोग रहने वाले हैं, ठीक है, वो अपनी मर्जी से और अपने जो है ना राइट्स को इंजॉय कर सकें, ठीक है। तो इसके बाद इसको भी क्वेश्चन और कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दुआ में रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।